रास्ता जाता है वापस सिटी और अंबेर पॉट के लिए। हम जा रहे हैं जयगढ़ पॉट। वॉल्यूम कम कर देता हूँ ना। यहाँ से जयगढ़ पॉट की स्टार्टिंग होगी। ये एक मंदिर है यहाँ पे स्टार्टिंग में, भोले शंकर का। जय भोले शंकर। नाइस रोड स्टार्ट हो गया है। यहाँ से कार पार्किंग है यहाँ पे। सबसे जयगढ़ पॉट की एंट्री है ये। इसका नाम है डूंगर दरवाज़ा। यहाँ से टिकट लेंगे हम। इसका कुछ ऑफिस का काम आ गया, वो आ रही है गाड़ी पार्क करती है। और चंगे से यहाँ पे पार्किंग नहीं है, इसकी टिकट नहीं है। टिकट इज फॉर 100। हम एक बड़ा सही वे दिखाएंगे ये फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट देखने का। यहाँ पे आप अपनी कार अंदर जा सकते हैं, तो हमने वही चूज़ करा है। और हम गाड़ी से पूरा फोर्ट घूमेंगे, रुक रुक के देख सकते हैं। सो गाइस, वी आर एंट्रिंग दिस, क्या नाम था इसका, दिस जयगढ़ फोर्ट हियर, एंड वी आर अलाउड टू टेक आवर कार इनसाइड। सो वी आर मूविंग विद अलोंग विद आवर। पुराना किला है, 1000 साल का। था ये डिफेंस के लिए था। ये जो आमेर फोर्ट उनका रेजिडेंट था, उसके साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे कार हम ऊपर तक ले आए हैं। बहुत ही सही ड्राइव लगा मुझे तो। बिल्कुल आप रॉयल एरा में हैं, बट विद मॉडर्न व्हीकल। हाथी घोड़ों की जगह आप जो है गाड़ी में हैं। और ये विंडो बनी हुई है नज़र रखने के लिए दुश्मनों को। जल महल है सामने, और ये है वो तोप। जयवन कैनन, जयवन तो पुराना किला है। 1000 साल का 27 राजाओं ने बनाया था, जिसे मैंने बताया। जयसिंह ने तैयार किया, इसलिए जयसिंह का किला बोलते हैं। चाहिए जयसिंह राजा या आर्किटेक्ट? जयसिंह राजा। जयसिंह के टाइम पे ये तोप बनी थी, बड़े की सबसे बड़ी तोप। अच्छा, इसका नाम है जयवान। इसका वजन है 250 टन। 250 टन? 200 टन की गाड़ी देख रहे हैं। ये किस टाइम पे बनी थी? ये 1720 में बनी थी। 200 टन की थी गाड़ी। जो नीचे का पार्सन है ना इसका, ये पूरा आयरन देख रहे हैं।
35 किलोमीटर और ये यहीं पे रखी जाती थी, यही दूर वाली पॉइंट आ गई, यही इसी डायरेक्शन में चली थी। इसका टेस्ट फायर हुआ था क्योंकि यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ। अच्छा, टेस्ट फायर के तौर पर इस्तेमाल किया है। 35 किलोमीटर की रेंज आई, सिटी का नाम है चाक, जहाँ पे गोला जाके गिरा हुआ गड्ढा हो गया उसको गोली मार के नाम से जाना। गोली मार तो कहाँ पे, जयपुर में चौकी रानी देखा आपको? नहीं अभी नहीं गए। तो चौकी रानी जाएंगे 15 किलोमीटर है यहाँ से चौकी रानी की। इसको जोधपुर जाते पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, जोधपुर जाते नहीं पड़ेगा, ये पड़ेगा आपको कोटा जाते हुए। अच्छा, तो का जो रेंज था 35 किलोमीटर उस टाइम में 1720 में, आज भी वही है। हम मतलब लेकिन उस टाइम पे ये टेक्निक थी, रेंज भी सही है मेरे ख्याल से। ये तो बन गई थी इसीलिए यहाँ पे कोई युद्ध नहीं हुआ। हाँ क्योंकि अगर इतनी दूर से दिखेगा, इतनी दूरी मार देंगे तो यहाँ तक पहुँचेगा कौन? चली ना तो इसमें आ गई आज तक एक ही बार चली है ये। और ऋषभ अपने ऑफिस वर्क में स्टार्ट हो गई है और and this is annoying, started annoying me a little bit. ये देखो इधर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है ये, और देखने आए ना डिफेंस के हिसाब से तो हाइट 600 फीट है। 500 साल पहले इतनी हाइट के पास वाटर का ऑप्शन नहीं था। और साथ का पानी कट रहा है जिस रोड से है ना आप लोग, इसके दोनों साइड 6 किलोमीटर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, टैंक देखेंगे उन टैंक को भी स्टोर करते थे बारिश का पानी, तो ये दोनों साइड है रोड के। हाँ, ये टैंक को कैपेसिटी 60 लाख गैलन पानी की है। 60 लाख गैलन, इतनी बारिश पड़ती थी यहाँ पे? यहाँ तो सूखा बोलते हैं ना, सूखा रहता काफी, तभी तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। मतलब बारिश पड़ती है, बारिश का मतलब और वो क्या मतलब बारिश होगी ना तो भर जाएगा, भर जाएगा। और वो क्या, जैसे बाउंड्री वॉल इसकी सेफ्टी पहाड़ों पहाड़ों इसको अंदर को प्रोटेक्शन देगी। हमें नीचे देखना ना राजस्थान का जो पहला कैपिटल था ना अमेर शहर, 1000 ईयर ओल्ड है। सेकेंड कैपिटल जयपुर है, जयपुर 290 ईयर ओल्ड। आमेर को येलो सिटी बोलते हैं, जयपुर को पिंक सिटी। अच्छा, ये आमेर अलग ही सिटी हो जाती है? मीणाओं का विलेज आ गया वही जो। अच्छा, बाद में रास्ते पर क्लोज आई ना मीनाकारी की फेमस है, मीनाकारी। अच्छा, और ये जो पूरी बाउंड्री बनी हुई है ये किले के लिए है, ये जो सारी बाउंड्री जा रही है, ये जो बनी है सारी। हाँ हाँ, बीच में ज़्यादातर इससे डैमेज होता है। और आपकी वॉल है 12 किलोमीटर वॉल, वो से छोटे छोटे 52 वास्टा और बाइक की सीट। सो वी आर हेडिंग बैक, अब हम देखेंगे वाटर टैंक्स यहाँ पे। इसमें 3000 गैलन पानी आ जाता है। कहाँ विंडो में? वो पानी है। अच्छा, हाँ 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 हाँ, मुझे लगा खाली एरिया है, सनलाइट भी नज़र आ रही थी अभी तो। अच्छा, ये है टैंक, तो ये अभी भी भरा हुआ है, पूरा कवर है पानी जैसे। 138 फीट लॉन्ग, 158 फीट वाइड और 40 फीट डीप है। तो जैसे ही बंद करके रखते हैं पानी तो रुका हुआ है।
तो पानी ख़राब नहीं होता है जैसे रुका पानी में तो खाई खाई। हाँ अब ये जैसे 81 पिलर्स लाइम स्टोन रेड स्टोन के चूने पत्थर की इसमें टिका हुआ चल रहा है, इस पर हाथ लगाओ एक बार आप चूना घूम मिट्टी है ना दूध से गर्म हो रहा है और ठंडा। चूने में ये खासियत होती है इसमें सालों साल पानी रहेगा और खराब नहीं होगा। दूसरा जैसे इसके चारों तरफ देखो वेंटिलेशन के हिसाब से कॉपर की जाली है, अच्छा 35 मिनट पानी उसमें हवा चली कि सोख लेगा बदबू नहीं मारेगा। टैंक के सेंटर में देख रहे हो तो ये उस टाइम की ही बनी हुई है विंडोज, अच्छा वो देखो टैंक के सेंटर में होल बना हुआ है। हाँ वहाँ से बारिश के टाइम पे जैसे चूना डालते हैं ना स्टोन और एलम डालते हैं, हाँ हाँ उससे पूरे साल पानी साफ होता है। यहाँ के 8-10 साल से बारिश कम होती है, पानी कम हो गया पिछले 2-3 साल से बढ़िया बरसात हुई है तो 2 साल का पानी सुधर आ गई थी सर। तो यहाँ से वैसे पानी वगैरह सप्लाई होता है यहीं रहता है, लोग आते हैं जितने काम करने वाले वर्कर सब सिर्फ उनके लिए, मतलब यहीं पे जो है बस उनके लिए यूज़ होता है, बाकी कभी इमरजेंसी पड़ी कुछ हुआ तो यूज़ हो सकता है। हाँ बाकी जैसे पहले के टाइम पर लाइट का सिस्टम नहीं था ना, हाँ 40 फीट की डीप है, हाँ वहाँ तक सीढ़ियाँ दे रखी है, उससे रस्सी से बाल्टी से लेदर के जर्सी से निकालते थे। ओके हम निकालते पाइप से फिल्टर करके 40 फीट डीप, इसमें 40 फीट तक पानी रखते थे, उसके नीचे कहते जगह रखते थे रूम बना रखे डबल फ्लोर में, पानी का रास्ता यहाँ से कर रखा है गंडक दिख रहा है उसके पीछे आमेर से, अच्छा एमरजेंसी में इंदिरा गांधी ने तलाशी करवाई थी लेकिन दिखे नहीं हुआ कुछ निकला या नहीं निकला क्योंकि रास्ता डी से जयपुर तक 24 घंटे बन गया। अच्छा तो गायत्री पैलेस है ना जैसे आप लोग नीचे जाएंगे गायत्री पैलेस, अच्छा वहाँ से तो डिक्लेयर किया था 895 किलो सोना ही निकला वापस कोई करने के, बाकी यहाँ का डिक्लेयर नहीं हुआ। वहाँ से सोना निकला था कितना, 800 895 किलो सोना दे दिए गवर्नमेंट को जयपुर वाली फैमिली को गवर्नमेंट ने, अच्छा गवर्नमेंट ने दिया और निकला कितना था वो तो रख ही लिया होगा फिर 895 निकला था दिया, हाँ वापिस दिया वही तो कह रहा हूँ मैं, मिला कितना था नहीं नहीं मिला होगा वो रखा होगा पहले अपने पास भी। टोटल 3 टैंक बना रहा था मैं, ड्रिंकिंग वाटर का ही खजाने वाला है उस टैंक का पानी पेड़ पौधों में गार्डन में देते, अच्छा पीछे गांव था सागर पीछे गांव बताए मैंने आपको, हाँ मुल्तानी मिट्टी समझते हैं बेचारे बच्चे सूट साड़ी बनाते हैं लोग मुल्तानी मिट्टी से, महीने गर्मी ज़्यादा होती थी ठंडी लगाती थी मेरे आगे तो मुल्तानी मिट्टी का साड़ी बनाते वाइट कपड़ा लेते और इन्हीं टैंकों का पानी लेते हैं कि जयपुर में कोई नदी नहीं है बाउंड्री वाला देखे ना वो रानी के लिए नहाने धोने के हिसाब से होता है ये जो बाउंड्री का है भाई इनके रेजिडेंशियल पैलेस सामने सिटी पैलेस आगे यहाँ राजा क्या करते थे रानी घुमाने के लिए सोल्जर चेकिंग के हिसाब से आते हैं कपड़े देख रहे सोल्जर होंगे सिंगल सिंगल मेम्बर के हिसाब से बड़े होल देखे बड़े होल इतने बड़े बड़े होल हैं कि एक एक रूम के अंदर 20-25 मेम्बर रह सकते हैं टाइम देखिए 45 ये है काल भैरव का मंदिर जो भी बताया हम वहाँ जा रहे हैं और ये है वो मंदिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि रोज़ एक बकरे की बलि दी जाती थी उस ज़माने में। अच्छा यहाँ ये है काल भैरव का।